हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी है फैट लॉस पर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि फ़ैट लॉस के वक्त करनी आपको ज़रूरी हैं और जो कि बहुत से लोग फॉलो नहीं करते, इसलिए उनका वेट रिड्यूस नहीं होता। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना और आपको जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो आपको फ़ैट लॉस करने में बहुत हेल्प करेंगी। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। सबसे पहली चीज़ जो है वो है वाटर। आपको अपनी डेली वाटर इनटेक को एक अच्छे लेवल पर रखना है, लाइक 4 to 5 liters पर डे। स्पेशली जब आप अपनी मील या कुछ खाते हो तो उससे अराउंड आधा घंटा पहले आपको 1/2 liter पानी पीना है, जिससे कि आपकी एपेटाइट कम हो जाएगी और मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा कुछ देर के लिए। इसको करने से होगा ये कि अगर आप खाना खाने से पहले पानी पी लोगे तो आपका पेट ऑलरेडी भर जाएगा और जिससे कि आप ज़्यादा नहीं खाओगे। और वाटर में होती हैं 0 calories, जिसको पीने से आपका स्टमक भी फुल रहेगा और अननेसेसरी कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं करोगे। द सेकेंड थिंग इज़ कैलोरिक डेफिसिट। आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो करना है, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी चाहिए, जिसको निकालने का फॉर्मूला है बॉडी वेट मल्टीप्लाई बाई 24। जो भी आंसर आएगा वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं और उन मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग आपको 300 to 500 कैलोरीज डेफिसिट में जाना है। मतलब उन मेंटेनेंस कैलोरीज के अकॉर्डिंग 300 से 500 कैलोरीज कम खानी है आपको। थर्ड थिंग इज़ ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में बहुत फाइबर होता है और साथ ही विटामिंस एंड मिनरल्स भी, जो कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और फैट लॉस में भी हेल्प करते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड करने से ना सिर्फ आप फैट लॉस करेंगे, साथ ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करोगे। वेजिटेबल्स में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, अगर आप इन्हें थोड़ा ज़्यादा भी खा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। द फोर्थ थिंग इज़ प्रोटीन। जब हम एक कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं तब फैट के साथ हमारा मसल भी लूज़ होने लग जाता है, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करने से आप मसल लॉस को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं और साथ ही फैट लॉस भी फास्ट होगा। अगर आप अपनी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फूड से अपनी डाइट से पूरी नहीं कर पाते तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हो। और प्रोटीन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्रोटीन आपके स्टमक को लंबे टाइम तक फुलर रखता है, जिससे आपको भूख कम लगेगी। द फिफ्थ थिंग इज़ स्विच सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनको हमारी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उन फूड्स में होते हैं लाइक पैक्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स, और जो कि हाई इन शुगर होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करती है और लंबे टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स उन फूड्स में होते हैं लाइक ओट्स, मल्टीग्रेन रोटी, राइस, ब्राउन ब्रेड। ये सब फूड्स हैं जो हमें लंबे टाइम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर। तो आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने हैं, बिकॉज दे आर रिच इन फाइबर एंड गिव्स यू एनर्जी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द सिक्स थिंग इज़ रिड्यूस शुगर। ऑलमोस्ट सबको मीठा खाना पसंद है, बट जब आप फैट लॉस कर रहे हो तब आपको वो चीज़ें नहीं खानी जिनमें एडिड शुगर है, लाइक पैकेट फूड्स जो कि हाई इन शुगर होते हैं और हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते। तो आपको नेचुरल शुगर को कंज्यूम करना है, जो कि होती है फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में। द सेवन थिंग इज़ कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। दारू या कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक, अगर आप इन्हें कुछ कुछ टाइम में पीते हो तो ये आपका फैट लॉस कर देंगे स्लो, क्योंकि इनमें होती है एम्प्टी कैलोरीज जो कि हमारे लीवर में जाकर स्टोर हो जाती हैं, जिससे हमारा लीवर होता है फैटी, और साथ ही मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, जो कि फैट लॉस और हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है और फैट लॉस भी करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने रूटीन से इन ड्रिंक्स को धीरे धीरे कर कट आउट कर दो। द एट थिंग इज़ वेट ट्रेनिंग एंड कार्डियो। आपने कार्डियो के बारे में तो बहुत सुना होगा कि फैट लॉस करते वक्त कार्डियो करनी ज़रूरी है, पर क्या आपको पता है कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग करने से आपकी फ़ैट लॉस जर्नी हो जाती है फास्ट, और मसल डेवलपमेंट भी होता है और बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। अगर आप जिम नहीं जाते और घर पर वर्कआउट करते हो तो मेरी वीडियो ज़रूर देखना, जो कि मैंने होम वर्कआउट सीरीज़ पर बना रखी हैं। वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद ज़रूर चेक करना। द नाइन्थ थिंग इज़ स्लीप। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी डाइट और वर्कआउट से रिलेटेड, जितना डाइट और वर्कआउट इम्पोर्टेंट है उतना ही स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। डेली 7 to 9 आवर्स की स्लीप हमारी बॉडी को देना बहुत ज़रूरी है,
तभी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी और फैट लॉस को प्रमोट करेगी। और नींद ना पूरी होने के बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। द 10th एंड लास्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन। इन दोनों चीज़ों को मैंने लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि यही दोनों चीज़ें हैं जो आपको रिजल्ट देंगी। कंसिस्टेंटली अगर आप अपनी डाइट और वर्कआउट को फॉलो नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिससे आप डीमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए आपको मोटिवेशन रखना है और डिसिप्लिन बने रहना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक स्लो प्रोसेस है पर हो जाएगा। तो ये थी हमारी 10 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो फैट लॉस के वक्त आपको करनी ज़रूरी हैं। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।